हेलो दोस्तों, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्लाउज में कप कैसे अटैच करते हैं। ये मैं आपको प्रिंसेस कट में कप अटैच करके दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो कप के साइज़ होते हैं ये मार्केट में अलग अलग साइज़ के मिलते हैं। आप जो भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं उसी साइज़ का आपको कप लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 34 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ, तो मैंने 34 साइज़ का ही कप लिया हुआ है। तो चलिए हम पहले ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम ब्लाउज़ की कटिंग पहले अस्तर के ऊपर करते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कट करते हैं। पर जब हम कप वाला ब्लाउज़ बना रहे होते हैं तब हमें मेन फैब्रिक पर कट करना होता है और अस्तर पर बाद में थोड़ा बढ़ाकर अस्तर को कट करना होता है, जिससे कि हमारे जो कप होते हैं वो प्रॉपरली अच्छे से अटैच हो पाए। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह रखा हुआ है। अब हम यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे कट करके। मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ। अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हाई हुक की पट्टी को अटैच करने के लिए। मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेंथ मेज़र कर लेती हूँ। लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पर 15 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 5 इंच शोल्डर ले रही हूँ क्योंकि डीप नेक है। 5.5 आर्म होल्स। चेस्ट 34 है तो यहाँ पर मैंने 34 का 4th पार्ट लिया हुआ है, 8.5 इंच। अब हम यहाँ से हल्की सी गहराई कर देंगे। यहाँ से देखिए हमें लेना होता है 3.5 इंच। ये आप सभी साइज में सेम ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ने के बाद 3.5 ले। और यहाँ पर टक्स के लिए मैं ले रही हूँ ऊपर से 10 इंच। ये भी आप सेम ले सकते हैं। अगर आप किसी कम हाइट लेडी का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 9.5 भी ले सकते हैं और 10 इंच आप सभी में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना है और 1 इंच यहाँ पर और 1 इंच यहाँ पर लेना है हमें और इसे इस तरीके से मिला देना है। अब हम 1 इंच इधर से, ये देखिए आप 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच नीचे से बढ़ाकर कट कर लेंगे मार्जिन के अलावा। चलिए इसे कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने यहाँ से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे अस्तर पे बढ़ा के कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया हुआ है। नीचे से 1/2 इंच इस तरफ से, 1/2 इंच इस तरफ से और हमें इसे इस तरीके से कट करना है। ये देखिए क्योंकि हमारा ये पार्ट जॉइंट होगा और कप लगेगा तो हमें अस्तर का जो भाग है वो बढ़ा कर लेना होता है। 1/2 इंच इधर से भी, 1/2 इंच नीचे से भी, 1/2 इंच साइड से भी ले लीजिए आप। तो कप अटैच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कट कर लेंगे। अगर आप ये अस्तर पे इसे बढ़ाकर नहीं लेंगे तो जो कप्स हैं हमारे वो अच्छे से नहीं बैठेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से इसे कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसमें कप अटैच करके भी दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको इजी तरीके से आप कप ब्लाउज में अटैच कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर अब कप्स अटैच कर लेते हैं। तो कप्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हम मेन कपड़े को जोड़ लेते हैं। अगर आपका ये वाला मेन फैब्रिक पतला है या नेट का है तो इस पर आपको एक लाइनिंग और लगा लेनी है और आपको एक लाइनिंग कप के लिए अलग से लेनी होती है अगर आपका फैब्रिक पतला है तो।
तो हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए आपको दोनों पार्ट्स अटैच कर लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है इसे। अब हम दूसरा पार्ट अटैच करेंगे इस पे। ये देखिए हमारा ये पार्ट अटैच हो गया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को भी मेन फैब्रिक की तरह यहाँ पर अटैच कर दिया है। हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है वो भी आप निकलने दें, हम इसे बाद में कट कर लेंगे। तो देखिए कप अटैच करने के लिए हमें अस्तर को उल्टा करना होगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर को उल्टा रखा है। अब हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए हमें ऊपर से लेना है टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच। ये 10 इंच पे मार्किंग की है मैंने और यहाँ से भी हमें लेना है 10 इंच। अब देखिए यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। ये हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर 3 इंच पे लगाएंगे। ये सभी साइज में आप ले सकते हैं इस तरीके से। ऊपर से यहाँ से लिया है 10 इंच और यहाँ से भी 10 इंच और यहाँ से 3 इंच इधर से लिया है और 3 इंच इधर से लिया है। तो देखिए अब हमें अस्तर के कपड़े को उल्टा ही रखना है और कप किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारे कप्स हैं, तो हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर निकालना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा सेंटर निकल गया है। हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमें दोनों ही कप में कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए हमारे दोनों कप में मार्किंग हो गई। अब हमें इसे किस तरीके से अटैच करना है, हमें इसके ऊपर अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से आप, ये देखिए कप को आप उल्टा कर लें और यहाँ पर आपको मशीन से पक्का करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कप को सीधा कर लेना है। हमने सिर्फ यहाँ पर सेंटर में ही सिलाई लगाई हुई है, हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ सिलाई लगाने से जो कप है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखेंगे पहनने के बाद, आपका जो कप है वो आप पहनने के बाद इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से अगर आप यहाँ से अटैच कर देंगे तो बिल्कुल आपका कप हिलेगा नहीं और पहनने के बाद बराबर आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों कप के बीच में कितनी गैप आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच की गैप आ रही है। तो ये 1.5 इंच की ही गैप रखनी, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं रखनी है हमें। तो ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है ये आप सभी साइज़ में कर सकते हैं। और देखिए अगर आप पलटाने वाला गला बना रहे हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब हमारा जो नेक है वो अगर आप पलटने वाला बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बना सकते हैं कप वाले ब्लाउज़ में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जो नेक की लेंथ है वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 2.5 इंच नीचे से चौड़ाई में और मैं यहाँ पर पत्ती वाला नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे कट करके आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारा नेक कट हो गया है। अब हमें इसे इस तरीके से रखना है और जो हमारा पैट वाला पार्ट है उसे इस तरीके से रखना है। ये देखिए
ये वाला पार्ट सीधा है, ये वाला पार्ट हमारा उल्टा है। तो अब आप इसे इस तरीके से पलट लीजिए और यहाँ से शोल्डर को बराबर करते हुए नेक को सिल लीजिए। तो यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिल लेंगे इसे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे शेप के अकॉर्डिंग सिल लिया है और अब मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ। सेंटर में एक नॉच लगा देंगे हम, यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे कि अच्छे से पलट जाए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नेक बनाने का। अब हम एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे एक सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे फिनिशिंग के लिए ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फिनिशिंग की सिलाई लग गई है और यहाँ पर हमारा जो गला है वो अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया है। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर एक सिलाई सेंटर में लगानी है जिससे कि जितना भी हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो बाहर आ जाए और जो फिनिशिंग है वो दिखे हमारे कप वाले ब्लाउज़ में। तो देखिए हम यहाँ से एक बड़े टाके से सिलाई लगा लेंगे जिसे कि हम बाद में खोल देंगे। तो ये आपको देखिए यहाँ से जो हमने सेंटर का लगाया हुआ था उसी के ऊपर यहाँ से बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। इसे हम बाद में खोल देंगे। इससे हमारा सारा कपड़ा बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसे बराबर करके यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी टाइट करके आपको नहीं खींचना है कपड़े को। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है आप उसे कट कर दीजिएगा और सेम हमें इस तरफ से भी करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लेस लगा के और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके नीचे मैंने कमर पट्टी लगा ली है और फिनिशिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि कितना अच्छा लग रहा है ब्लाउज़, कितने अच्छे से कप हमारे अटैच हुए हैं इसमें और देखिए पीछे से भी फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए आप भी अपनी हैवी साड़ी के ब्लाउज़ में, लहंगे के ब्लाउज़ में आप भी अगर कप लगाना चाहते हैं तो इतने इजी तरीके से आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आपको तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।